हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी टीम। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो फर्स्ट सेमीफाइनल मैच होने वाला है वर्ल्ड कप में, इसी मैच के बारे में। मैं आपको इस मैच की में जो है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आपकी मैं सॉल्व करने वाला हूँ। आप जो है रोहित, कोहली, केन विलियमसन, रॉस टेलर, इन सभी को अपनी टीम में आप ले पाओगे, एक ऐसा मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, ठीक है। मैं आपको जो है आपको सबसे पहले जो टीम न्यूज़ या फिर जो अपडेट है वो आप चाहें तो क्रिक बस पे जाके देख सकते हो, लेकिन जो हमेशा क्रिक बस पे रहता है वो सही नहीं होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि प्लेइंग 11 कैसे होने वाली है। तो टीम आप कैसे चूज़ करोगे आपको पता ही है, टॉस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ पे मार्टिन गप्टिल जो है ओपनिंग करेंगे, लेकिन दूसरा ओपनर जो है हेनरी निकोल्स या फिर कॉलिन मनरो, इन दोनों में से कोई एक खेल सकता है। वहीं पे नंबर 3 पे केन विलियमसन अपनी कैप्टनसी करेंगे, और नंबर 4 पे रॉस टेलर, नंबर 5 पे टॉम लेथम ने लास्ट मैच पे जो अच्छी इनिंग खेली थी 50 के करीब इन्होंने रन बनाए थे, तो आप इनको अपनी टीम में ले सकते हो। उसके बाद आते हैं दो ऑलराउंडर जिमी नीसम और कॉलिन डी ग्रोम, ये दोनों जो है बॉलिंग और बैटिंग के साथ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए। उसके बाद आते हैं मिचेल सैंटनर जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, लेकिन बैटिंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं तीनों फास्ट बॉलर मैट हेनरी, लकी फर्गसन और यहाँ पे ट्रेंट बोल। फर्गसन लास्ट मैच पे थोड़े इंजर्ड थे, तो लास्ट मैच इसलिए वो नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस मैच पे इंडिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए वो बिल्कुल फिट है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि इंडिया जीते और हम लोग जितना हो सके अपनी तरफ से जो इंडिया को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा और केएल राहुल, उसके बाद आएंगे विराट कोहली, ऋषभ पंत, एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या और यहाँ पे दिनेश कार्तिक तईक जो है, लगभग इनके ऊपर भी करीबन थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन मुझे लगता है और विराट कोहली के बातों से ऐसा लगता है कि कल शायद दिनेश कार्तिक खेल सकता है, क्योंकि सेमीफाइनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होता है और आप नहीं चाहेंगे कि आप जो एक बैट्समैन शॉर्ट जाओ। वहीं पे यहाँ पे कुलदीप यादव या फिर जडेजा में से कोई एक खेल सकता है, भुवनेश्वर कुमार या फिर शमी खेल सकते हैं, या फिर उन दोनों में से कोई एक खेल सकता है, या फिर ये दोनों ही खेल सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे युजवेंद्र चहल या फिर कुलदीप में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ेगा। तो वहीं पे यहाँ पे जसप्रीत बुमराह तो लगभग कंफर्म है। तो टॉस पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच जो है बिल्कुल मैं आपको बता दूँ बैटिंग फ्रेंडली पिच है, और मैच आप यहाँ पे देख सकते हो, मैच यहाँ पे जो है ओल्ड ट्रैफिक पे होने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छी बैटिंग पिच माना जाता है, यहाँ पे 300 रन बनते हैं, लेकिन सेमीफाइनल मैच है, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो शायद 300 बना सकती है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो बहुत ही रेयर चांस है कि न्यूजीलैंड 300 बना सकती है, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही अपनी पूरी ताकत से ये मैच खेलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, आप अगर ड्रीम 11 पे टीम बनाओगे तो आपको टीम तो बनने से रहा, आपको कोई ना कोई प्लेयर मिस करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे रोहित शर्मा को मिस किया हुआ। लेकिन मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसमें आप जो सारे प्लेयर को ले सकते हो। तो आप चाहें तो माई 11 सर्कल खेल सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया हुआ है, मैंने यहाँ से बहुत अच्छा खासा विन किया हुआ है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड कर लो, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, नाम और जो भी वहाँ पर पूछा जाए दे के आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर आप अपनी टीम बना सकते हो, ठीक है, टीम बना सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से टीम बना सकते हो, वो तो है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 10 रुपया एंट्री फी दे के यहाँ पे आपने आपको जो है दादा के बीट द एक्सपर्ट लीग को ज्वाइन करना है, और आप सिर्फ एक टीम को बीट करके यहाँ पे जो कि दादा का टीम होगा, बस आपको एक टीम यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये टीम को बीट करके आप जो यहाँ पे 5 times ज़्यादा जो यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे चीज़ है। तो यहाँ पे आप को अगर आप टीम बनाओगे तो आपको क्रेडिट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टीम, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर को ले लिया है, ऊपर से मेरे पास जो है 2 क्रेडिट ऊपर से अभी भी बचे हुए हैं। मैंने यहाँ पे टॉम लेथम,
रोहित शर्मा, विराट कोहली, केन विलियमसन, रुकेश राहुल, रॉस टेलर, हार्दिक पांड्या, जिमी निसम, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को मैंने लिया है। अगर आपको अगर क्रेडिट की प्रॉब्लम हो रही है ड्रीम इलेवन टीम बनाने के लिए तो आप माई इलेवन सर्कल खेल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ अब ड्रीम इलेवन की टीम। सो ड्रीम इलेवन पे आप चाहें तो चार विकेट कीपर ले सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास तीन अवेलेबल ऑप्शन है, एम एस धोनी, टॉम लेथम और ऋषभ पंत। इनमें से सबसे ज़्यादा जो अच्छा ऑप्शन हो रहेगा मेरे हिसाब से एक टॉम लेथम रहेंगे और दूसरा एम एस धोनी रहेंगे, क्योंकि सेमीफाइनल मैच है और एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो आप इन दोनों में से ले सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया, मैंने अगर आप बैट्स विकेट कीपर पे आप ये इन टॉम लेथम को मैंने लिया, लेकिन बैट्समैन पे आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है। रोहित शर्मा को अगर आप सेक्रीफाइस करोगे तो आपका लगभग ठीक ठाक टीम बन जाएगा। अगर आप केन विलियमसन और विराट कोहली को में से किसी एक को सेक्रीफाइस करोगे तो आपको थोड़ा एक और प्लेयर को आपको सेक्रीफाइस करना होगा जो कि आपका आइडियल प्लेयर होगा। उसमें से अगर आप रॉस टेलर को अगर सेक्रीफाइस करोगे तो लगभग आपको एक और दो एक और जो बाकी टीमों में से आपको जो है यहाँ पे जो है सेक्रीफाइस करना होगा। इसलिए मैंने रोहित को यहाँ पे नहीं लिया हुआ है। रोहित ने लास्ट तीनों मैच पे सेंचुरीज मारा है तो लो ऑफ एवरेज जो है उनको शायद कैचअप कर लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रोहित शर्मा को नहीं लिया हुआ है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो है केएल राहुल को लिया हुआ है। ऑलराउंडर पे मैंने जिमी निसम, हार्दिक पांड्या और कॉलिन डिग्रोम को लिया। आप कॉलिन डिग्रोम की जगह किसी और बैट्समैन को ले सकते हो। क्रेडिट की प्रॉब्लम की वजह से जो है गप्टिल को भी मैंने नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और यहाँ पे मैट हेनरी को लिया है। आप चाहें तो मैट हेनरी की जगह अगर इंडिया का कोई स्पिनर जैसे चहल और अगर कुलदीप खेलता है या फिर कुमार खेलता है तो आप उनको जो है यहाँ पे ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में। तो मैंने आपको माई इलेवन सर्कल में भी दिखाया है कि मैंने वहाँ पे जो है विराट कोहली को कैप्टन और रोहित शर्मा का जो वाइस कैप्टन लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने वाइस कैप्टन यानी विराट को रोहित शर्मा को नहीं लिया है। तो कैप्टन मैंने यहाँ पे विराट कोहली को बनाया है और वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पे केन विलियमसन को बनाया हुआ है। तो आपका जो है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया जो कि आप माई इलेवन सर्कल पे टीम बना के खेल सकते हो, अपने मनपसंद प्लेयर को चूज कर सकते हो, क्रेडिट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आप जो कौन सा भी वेबसाइट खेलो आपको ज़रूर क्रेडिट की प्रॉब्लम होगी और आप चाहें तो अपने हिसाब से टीम बना सकते हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इंडिया आप जीते चाहे हारे ये आपको जो है दो एक दो दिन में आप भूल जाओगे, लेकिन इंडिया का सेमीफाइनल मैच जितना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो सके आप इंडिया को सपोर्ट करो और होप करता हूँ इंडिया सेमीफाइनल मैच जीतेगी और हम लोग इस बार ट्रॉफी ज़रूर जीतेंगे विराट कोहली के कैप्टेंसी में। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।